स्वागत है आपका नीलम्स किचन यूट्यूब चैनल में और हैप्पी धनतेरस। धनतेरस के हार्दिक शुभेच्छा आप सब व्यूवर्स को। तो आज हम फरसान की रेसिपी लेके आए हैं। तो आज की रेसिपी का नाम है पोहे का चिवड़ा। पोहे से हम चिवड़ा बनाएंगे। तो चलिए फिर पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम लेंगे काजू और बादाम, ड्राई फ्रूट्स लेंगे। उसके बाद चना दाल लिए हैं, उसके बाद सिंग, शुगर पाउडर है, कोकोनट, किशमिश ली है, नमक लिया है, हल्दी और कड़ी पत्ता और मिर्ची। सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई थोड़ी देर हाई फ्लेम तक गरम होने देंगे। अब इसमें हम पोहे सेक लेंगे। 250 ग्राम पोहे लिए हैं हमने यहाँ पे, वो सेक लेते हैं। तो पोहे हमें छला नहीं देने हैं, थोड़े थोड़े ही सेकने हैं, गोल्डन ब्राउन भी नहीं करने, थोड़े क्रिस्पी रहने दे तब तक उसे सेकना है। तो इसे सिकने देते हैं। ये देखिए थोड़े थोड़े सेक के हो चुके हैं, अब रेडी हो चुके हैं ये सेक के। अब इसे हम छान लेंगे। जो उसके बेस पे जो जला हुआ जले हुए पोहे रहेंगे वो निकाल देंगे यहाँ इसमें से छान के। तो जो ऊपर जो प्योर क्रिस्पी पोहे रहेंगे वही हमें मिलेंगे। अब तेल गरम कर लेंगे। पहले चेक कर लेते हैं, हाई फ्लेम पे ही तेल रखना है। इसमें हम सींग या फिर बादाम डाल के चेक कर सकते हैं, अगर वो ऊपर आए मीन्स वो गर्म हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम सींग डालेंगे, कच्ची सींग है ये, 1 कप जितनी डाली है हमने। इसे फ्राई कर लेंगे हम। हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने जो पहले शो किए वो धीरे धीरे इसमें फ्राई कर देना है, एक एक करके हम फ्राई कर देंगे। ये देखिए सींग हो चुकी है, सींग फ्राई हो चुकी है, कच्ची सींग ही ली है हमने, वो सब पोहे पे डाल देनी है। जो भी हम फ्राई करेंगे वो 1 by 1 पोहे पे हम डालते रहेंगे। थोड़ा सा तेल जाएगा तो फिर भी चलेगा, क्योंकि वो मिक्स करते टाइम हमें हेल्प करेगा, तेल ज्यादा नहीं डालना। ये देखिए अब ये हमने चना दाल ऐड कर दिया है, चने की दाल ऐड कर दी है। ये भी हमने 1 ही कप जितनी ली है। ये देखिए वो भी हमने सिंक के ऊपर डाल दी, फ्राई की हुई चने की दाल। अब थर्ड इंग्रेडिएंट ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो हमने यहाँ पे काजू और बादाम यूज किए हैं, वो भी फ्राई कर लेंगे थोड़े से। कोई भी चीज ज्यादा फ्राई नहीं करनी है, 2 बार जस्ट करछी को हिलाना है और निकाल देना है। ये देखिए दिवाली का फरसान है ये। ओके, ये भी हो चुका है, ये भी डाल देंगे उसके ऊपर। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये सब डाल दिया एक के ऊपर एक। अब इसमें हमने किशमिश डाली है, किशमिश ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डाली है, और उसे ज्यादा फ्राई भी नहीं करना क्योंकि वो पहले से ही नरम होती है। ये देखिए हमने ऐड कर दी, किशमिश भी ऊपर आ गई, सब मिक्स हो गया, सारा धान मिक्स हो गया एक के ऊपर एक। अब ये हमने कोकोनट डाला है, नारियल, ये आपको किराने की दुकान में मिल जाएगा, उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये लो फ्राई हो गए, निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं फ्राइंग प्रोसीजर है वो स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक एक करके सब फ्राई करना दिखाऊंगा तो। ये देखिए अब ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता वो भी फ्राई कर लेंगे, सब फ्राई कर लेना है इसमें, एक भी चीज हमें नहीं छोड़नी सिवाय पोहे के जो कि हमने सेके हैं, वो भी इसके ऊपर डाल दिए हमने, ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता। ये थोड़े से नारियल मम्मी ने निकाल दिए, डिस्टर्ब कर रहे थे आई थिंक। ओके, अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 2 teaspoon टर्मरिक डाला है हमने, हल्दी डाली है, हल्दी पाउडर 2 teaspoon जितनी, कलर आए उतने। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार,
दो टीस्पून जितना डाला है यहाँ पे। और अब मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है शुगर पाउडर डालेंगे। शक्कर का हमने पाउडर बना दिया है वो डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे हम। ये मम्मी चम्मच से मिक्स कर रही है पहले, मेरे को नहीं पता चम्मच से पहले क्यों मिक्स कर रही है मम्मी, वरना पहले तो हाथ ही यूज करती थी। ठीक है कोई बात नहीं। तो ये अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना। ये देखिए हाथ आ गया, अब हाथ से मिक्स कर लिए। ये देखिए हाथ से मिक्स कर लिए। कलर देखिए दोस्तों, हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा तेल मिक्स होने के बाद कलर चेंज हो गया है पूरा। हमें जो बाहर स्वीट्स की दुकान में जो चिवड़ा मिलता है वैसा ही है कलर। चलिए इसे सर्विंग बाउल में ले लेते हैं अब। ओ वेरी नाइस कलर, वेरी नाइस टेक्सचर, आई थिंक टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहेगा ये। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं तो इसको चाय के साथ एंजॉय करता हूँ। मैंने भी इंग्रेडिएंट्स और बनाने की रीत जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज हमेशा की तरह डाल दी है। आप भी इसे बनाइए और टेस्टी टेस्टी चाय के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। आप दिवाली बनाइए ये चिवड़े के साथ। मैं मिलता हूँ कल न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप नीलम्स किचन यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बनाइए बटन दबाइए दोस्तों। मज़ा आ जाएगा, न्यू रेसिपी रोज़ खाएंगे हम। ठीक है फिर कल मिलते हैं। हैप्पी धनतेरस दोस्तों, बाय बाय।